नमस्कार, मैं जगदीश पारेख हिंदी व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत आज प्रत्यय के पांचवें सत्र में कृत प्रत्यय के भेदों के अंतर्गत कारणवाचक कृत प्रत्यय के बारे में चर्चा करूंगा। कारणवाचक कृत प्रत्यय वे प्रत्यय दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं शब्दांश, वे प्रत्यय अथवा शब्दांश जो धातुओं के अंत में जुड़कर धातु अर्थात क्रिया का छोटा संक्षिप्त रूप, धातुओं के अंत में जुड़कर अंत में जुड़कर कारणवाचक अर्थात क्रिया के साधन रूप शब्दों का बोध कराते हैं, शब्दों का बोध कराते हैं कारणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। हमने जब कारण पढ़े, कारण के सत्र में हमने कारण कारक के अंतर्गत यह पढ़ा था, वह साधन जिससे क्रिया की जाती है वह साधन ही कारण कहलाता है, इंस्ट्रूमेंट है। से या द्वारा, अध्यापक कलम से लिखता है, लिखने का साधन कलम है। हम सब आंखों से देखते हैं, देखने का साधन आंखें हैं, आंखों से कारण का धातुओं के अंत में जुड़े हुए कृत हैं, जुड़कर कारणवाचक दूसरे शब्दों में क्रिया के साधन रूप, क्रिया होने का साधन क्या है उन शब्दों का बोध कराते हैं, कारणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आइए पूर्व कर्तृवाचक कर्मवाचक प्रत्ययों की भांति कर्मवाचक प्रत्यय भी तालिका बनाकर समझने का प्रयास करते हैं। कारणवाचक कृत प्रत्यय वही पूर्व की तरह हम तालिका बना लेंगे। Thank you.
और यहाँ इस कॉलम में क्रम संख्या सीरियल नंबर धातु क्रिया का छोटा अथवा संक्षिप्त रूप यहां प्रत्यय शब्दांश जो पीछे जुड़ेंगे और क्रीडन दूसरे शब्दों में उदाहरण। आइए क्रम संख्या पहला यहां पर धातु लेते हैं अन बद्ध धातु है संस्कृत में बद्धनाती प्रत्यय है अन और एक शब्द बनेगा अंधन। यहां पे हमने ली धातु मत मत मथनाती मंथन ढक ये नाम हटा दिया मैंने ढक शब्द को इस अंतिम अक्षर को इस अंतिम को स्वर रहित शून्य बिल्कुल शून्य माना जाएगा और अब यहां एक अन प्रत्यय है ढक्कन और आप देखिए बंधन से बांधा जाता है मंथन से मथा जाता है ढक्कन से ढकने की क्रिया ढक्कन से करण से वह साधन जिससे क्रिया संपन्न होती है वह साधन ही करण कहलाता है। अब करते हैं बंधन मंथन ढक्कन या एक और बेलना बेल बेलन बेलन से बेला जाएगा झाड़ना ना हटा हुआ अन और यहां एक शब्द बन जाएगा झाड़न। अगला प्रत्यय झाड़न इसी प्रकार अगला प्रत्यय लेते हैं आ झूल यहां आएगी क्रिया झूलना ये ना हट गया ये हटा हुआ और प्रत्यय है आ झूला खेल खेलना पुश करते हैं धक्का मारते हैं प्रत्यय वही है शब्द बनेगा ठेला झूले से झूलते हैं झूले में नहीं झूलते झूला साधन है झूले का झूले से ठेले से खेला जाता है। अगला प्रत्यय ई प्रत्यय ई एक क्रिया है वेतना अक्सर समाचार पत्रों में आप खबरें पढ़ते हैं पुत्र ने पिता का गला रेत कर हत्या रेत कर पूर्वकालिक क्रिया रेतना रेत और यहां एक शब्द बन जाएगा रेती रेती से रेता जाता है यहां गागर वही प्रत्यय हमारा और शब्द बनेगा गगरी। इसी प्रकार चौथा जो क्रम है ऊ आप देखिए जितने भी शब्द बन रहे हैं वे शब्द किसी न किसी कर्म का अर्थात क्रिया को करने वाले
साधु रूप शब्दों का बोल धरा है। वे प्रत्यय जो क्रिया के साधु रूप में प्रयुक्त तो होते हैं, कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कर्म क्रिया के साधन था। हमने कारक के सत्र में से अथवा द्वारा चिन्हों के बारे में पढ़ा था। जो चौथा भेद है, चौथा जो प्रत्यय है, ऊ एक शब्द हमने लिखा धातु के रूप में, झाड़ना क्रिया प्रत्यय है ऊ झाड़ू। और आप देखिए झाड़ू से झाड़ा जाता है, झाड़ू से साफ किया जाता है। इसी प्रकार पांचवा नी, यहां पे नी छल ना छल ये हो गया, छलनी छलनी से छाना जाएगा, ओढ़ ना ना आ गया, ओढ़नी ओढ़नी से कतर कर कर यदि कर यदि कर यदि, यहां वही प्रत्यय है नी। कतरनी कतरनी से काटा जाता है। तो हमने देखा कर्मवाचक प्रत्यय क्रिया के साधन का बोध कराते हैं। इसी प्रकार कृत प्रत्ययों के उपभेदों के अंतर्गत क्रिया बोधक कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय और उसके उपभेदों को लेकर हम आगे और अधिक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।